गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम ईवीएस का पार्ट एक मेरी सुनो अपनी कहो करेंगे। देखो बच्चों, जैसा कि आपको बुक में चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें सतनाम, कंचन और पीटर तीनों आपस में बातें कर रहे हैं। देखिए ये आपस में क्या कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। सतनाम कहता है, मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे, वह फैक्ट्री बंद हो गई, अब हम अपने गांव में रहेंगे। फिर कंचन कहती है, सड़क को चौड़ा करने के लिए हमारी झुग्गियों को हटा दिया गया है, अब हमें रहने के लिए नई जगह तलाश करनी पड़ेगी। और फिर पीटर कहता है, मेरे पापा काम के सिलसिले में दूसरे देश गए हैं, अब मैं और मेरी मम्मी नानी के घर रहते हैं। देखो बच्चों, इन तीनों की बात से क्या बात सामने आती है कि ये सभी अपने परिवार के साथ एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। जैसे सतनाम के पापा की फैक्ट्री बंद हो गई तो वो दूसरे गांव में रहने लगे, कंचन की झुग्गियों को हटा दिया गया क्योंकि वहां सड़क चौड़ी करनी थी तो वो दूसरी जगह की तलाश करने लगे, और ऐसे ही पीटर के पापा दूसरे देश चले गए तो वो अपनी मम्मी और नानी के घर रहते हैं। तो बेटा, इसी तरह जब कोई परिवार किसी कारण से एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगता है, उसे परिवार का विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परिवार का विस्थापन। परिवार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर रहने लगना। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। आगे है हमारी अहमद की कहानी। देखिए अहमद क्या कहता है, मेरा नाम अहमद खान है, मेरा गांव कोसी नदी के किनारे पर है, पर अक्सर वहां बाढ़ आती रहती है। बाढ़ के कारण हमारी खेती बाड़ी को काफी नुकसान होता है, इसीलिए मेरे अम्मी अब्बू को काम की तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, वे ईंट भट्टे पर काम करते हैं। देखिए ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसे भट्टा कहते हैं बेटा, यहाँ पर ईंटें तैयार की जाती हैं। बरसात के दिनों में भट्टे पर काम बंद हो जाता है क्योंकि बरसात के कारण मिट्टी ज्यादा गीली हो जाती है और वो सही ढंग से नहीं सेट हो पाती। तो जब वहाँ भट्टा बंद हो जाता है तो इन मजदूरों को काम की तलाश में दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है। अब ये अहमद कहता है कि मेरे अब्बू को कभी एक भट्टे पर काम मिलता है तो कभी दूसरे भट्टे पर, हम वहीं पर झुकी डालकर रहते हैं जहाँ उन्हें काम मिलता है। बार बार जगह बदलने के कारण मेरा स्कूल भी बदलना पड़ता है जिससे उसकी पढ़ाई का भी बहुत नुकसान होता है और उसके दोस्त भी बिछुड़ जाते हैं। आगे देखिए बेटा, अहमद कहता है कि मेरे बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी यानी कि उसके दादा दादी गांव में रहते हैं, उन्हें वहीं पर रहना अच्छा लगता है। फिर अहमद कहता है कि मुझे भी गांव में ही रहना ज्यादा पसंद है, वहां मुझे नाव में घूमना और खेतों की पगडंडियों पर दौड़ना बहुत अच्छा लगता है। अहमद कहता है बेटा कि मैं बड़ा होकर अपने गांव में रोजगार के और अधिक अवसर बढ़ाना चाहता हूं, जिससे गांव के लोगों को काम की तलाश में अपने घर छोड़कर किसी दूसरी जगह पर ना जाना पड़े। ठीक है बेटा, तो आप भी यही सोचते होगी कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, सोचा होगा ना आपने भी। तो आप भी अपनी ईवीएस की नोटबुक में लिखिए कि आप बड़े होकर क्या बनोगे और अपने गांव में जहां पर अभी आप रह रहे हो उसमें और अधिक क्या सुधार करोगे। आगे देखिए बेटा, आगे हम चलते हैं काजल के पास। काजल क्या कहती है, हम गड़िया लुहार हैं, हम किसी एक जगह नहीं रह पाते। गड़िया लुहार बेटा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, गाड़ी, जो जिनका घर भी गाड़ियों में ही होता है। हम गाड़ो यानी कि एक प्रकार की बैलगाड़ी होती है, उसमें वो रहते हैं। समय समय पर हम ठिकाना बदलते रहते हैं, मतलब वो एक स्थान पर 3 या 4 महीने रहते हैं फिर अपना ठिकाना बदल देते हैं।
गाड़ों में रहना इतना आसान नहीं होता। छोटे से गाड़े में घर का सारा सामान होता है और परिवार के सब लोग रहते हैं। हर मौसम में अलग तरह की दिक्कतें आती हैं। अब देखिए, मेरी माँ और पिताजी लोहे की चीजें जैसे तवा, चिमटा, छाज, छलनी, दरात, झारना आदि बनाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला बेटा, गड़िया लोहार क्या काम करते हैं? जैसे ये तो है कि वो लोहे का काम करते हैं, लेकिन लोहे से क्या क्या बनाते हैं? तवा, चिमटा, छाज, छलनी, झारना, दरात आदि ये उनके काम हैं। हमारे समुदाय के बच्चे आजकल स्कूलों में जाने लगे हैं। काजल कहती है बेटा कि पहले उनके परिवार में पढ़ाया नहीं जाता था बच्चों को, लेकिन अब आधुनिक समय में उनके परिवार के बच्चों को भी स्कूल भेजा जाने लगा है। मेरे पिताजी हमारे समुदाय के लोगों की मदद करते हैं, मुझे भी यह बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छा गुण है बेटा, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। और बेटा, जो ये गड़िया लुहार हैं, जिनका घर एक गाड़े में होता है, इन्हें बेटा घुमत्तू समुदाय के लोग भी कहते हैं। घुमत्तू, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो घूमते रहते हैं, जिनका स्थायी निवास नहीं होता। ऐसे लोग जो आजीविका के लिए एक गांव से दूसरे गांव ठिकाना बनाते रहते हैं तथा एक स्थान पर कुछ महीने ही टिकते हैं, उन्हें गड़िया लुहार या घुमत्तू समुदाय के लोग कहते हैं। आगे देखिए बेटा, अब है, चलिए अब हम नंदनी कहती है बेटा, मेरे पिताजी सेना में काम करते हैं और उनका तबादला यानी कि बदली होती रहती है। अब हम कैंट में रहते हैं यानी छावनी में। अब नंदनी कहती है कि जैसे ही उसके पिताजी का तबादला होता है तो उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि वो नई नई जगह पर जाते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, उन्हें नया घर मिलता है, नया स्कूल मिलता है और नई नई भाषाएं सीखने को मिलती हैं।